मैं बहुत खुश हूँ। घर में आप इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया? आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। सब दुखों की एक दवा गिरगाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज हमको, जिसकी हमकी अनुभूति भी नहीं थी कि सर आपसे हम मुलाकात कर सकते हैं, आप हम भाई हम बहनों को यहाँ बुलाएं और आपसे प्रत्यक्ष। तो गाय मिली उसका आनंद नहीं है सर? गाय के ही सौजन्य से तो सर हम यहाँ पर आए हैं। और सर गिर गाय मिलने से सर हम तो आत्मनिर्भर तो हुए ही हैं सर, उसके साथ साथ सर हमारी संस्कृति का भी विकास हुआ है। अच्छा, आप में से किसी को विचार आया कि अपनी गाय के साथ सेल्फी ले? जी सर, हम लोग लिए हैं। ले लिए हैं जी सर। सर हमारे हमारे बच्चे ना जाते हैं, उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं, उसको सहलाते हैं, उसके गले लपट मतलब मिल जाते हैं। आपने हमें गिर गाय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गिर गाय साहब रोज लगभग 17 से 18 केजी दूध देती है। 18 केजी? अच्छा, हमारा गुजरात में मैंने नियम बनाया था कि किसी पुरुष को पैसे मत दो दूध के। अच्छा, महिला को सीधा मिलना चाहिए। यहाँ शुरू किया कि नहीं किया? देखिए, मैं आज बोल करके जा रहा हूँ, अभी आपके अकाउंट में दूध का पैसा महिलाओं के अकाउंट में ही जाएगा जी, किसी पुरुष के अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर ऐसा तो नहीं होगा मोदी जी ने घर में झगड़ा करवा दिया? और सर जी, जो बोनस का पैसा आता है, मैं उससे गोबर खरीदती हूँ और बर्मिंग खाद का। अच्छा, वो काम शुरू किए हैं? जी सर जी, बर्मिंग खाद बनाती हूँ। हमारी बर्मिंग खाद जो है महीने का लगभग 40 से 50 क्विंटल जो है तैयार होता है, उसे मैं मार्केट में सेल करती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ी बहुत ही, आप तो बड़ा स्टार्टअप चलाती हो। गिर गाय जो पांव पड़ा है बहुत ही शुभ है। उनके आने से एक उनकी गिर गाय आने से 14 साल के बाद हमारे यहाँ बछड़ी हुई, जिन्हें हम प्यार से हनी बनी कहते हैं। हमारे में काफी गाय के साथ भी जुड़ गया। जी सर। सर मेरे पास कोई गाय नहीं थी और मेरे पास पहली गिर गाय आई, और इसके पहले मैं बहुत सर परेशान भी रहती थी। मेरे यहाँ पारिवारिक आर्थिक तंगी भी चलती थी, आए दिन मेरे घर में दुर्घटनाएं होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है सर, सब गौ माता के आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है सर, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर। कितना दूध मिलता है और कितना कमाई होती है? महीने का सर आ जाता है 8 से 9 हजार रुपए। पहले कितना मिलता था? कुछ नहीं था सर, पहले कुछ था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। घर में आप इतनी कमाई आप कर रही हैं जी, आपकी जरा दादागिरी बढ़ गई होगी। अब महिलाओं को जो आप सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं सर, उसके लिए भी मैं आपकी थैंकफुल हूँ। अब जो गिर गाय है बहुत अच्छी है, मतलब परिवार की फैमिली मेंबर बन गई है। जी, परिवार की फैमिली नंबर बन गया। और मेरे जो दादाजी हैं, मतलब उनको 2 बेटे हैं, बोलते हैं कि मेरे 3 बेटे हैं जो कि एक गिर गाय दिए हैं दूध खाने के लिए हमें। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री थे बादल साहब, तो उन्होंने मुझसे गिर गया, तब तो मैं राजनीति में नहीं था लेकिन मेरा उनसे अच्छा परिचय था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे गिर गाय चाहिए, आप दे दीजिए। तो मैंने उनको 5 गिर गाय दी, बाद में मुख्यमंत्री बन गया। तो एक बार हम सब मुख्यमंत्रियों का भोजन था, तो उन्होंने कहा भाई ये गुजरात के लोग ऐसे हैं, इनकी गाय भी ऐसी है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले किसको मारती नहीं है। आपको भी यही अनुभव आया ना? जी सर। बच्चे भी गाय के पास चले जाते होंगे? हाँ सर। मुझे गिर गाय जब मिली ना, तो मेरे यहाँ बांधने के लिए जगह नहीं था, उसको मैं रोड पर बांधी। जगह उसके पहले था, लेकिन 15 बरिस से वह स्टे पड़ा था, मुकदमा भी चल रहा था। जब गिर गाय आई तो मैंने उनसे प्रार्थना की, हे माता, कम से कम आप अपने लिए ये सुलभ कराइए, इस जमीन का झगड़ा संत कराइए। उस झगड़ा भी समाप्त हो गया, पहली बात तो ये बहुत खुशी की बात। मेरे पैर से चला भी नहीं जाता था, मैं सोचे कि अब तो ये गाय आ गई, हम इनकी सेवा कैसे करेंगे। दवा बहुत हुआ, डॉक्टर बोले ऑपरेशन करने के लिए कमर का, वह भी नहीं करवाई। जब वो आई, उनका दूध का सेवन करने लगे, तो दवा भी बंद हो गया, मेरा मर्ज भी खत्म हो गया। सर आपकी ये देन है जो कि गिर गाय आई। तो सब दुखों की एक दवा गिर गाय। मेरी पारिवारिक स्थिति सही ठीक नहीं थी,
उनके आने से मेरी पारिवारिक स्थिति में सुधार आ गया और मैं बहुत खुश हूँ सर जी कि आपने मुझे गीर गाय दिया। गीर गाय जब से आई है तो मेरे घर में इनकम आ गई है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। आपको मालूम है सरकार एक मुंह पका खुर पका बीमारी होती है उसके वैक्सीनेशन के लिए सरकार पैसे खर्च करती है, ये डेयरी भी करती है, तो वैक्सीनेशन रेगुलर करवाना चाहिए, करवाएंगे? चलिए। जब से वो गीर गाय आई है तो अच्छा दूध भी उसका है और बच्चे डरते भी नहीं है और ये उसका दूध और घी दोनों ही बहुत पौष्टिक है। जैसे पैरों में दर्द या कैल्शियम की कमी होती थी तो ये बहुत अच्छा था। और पहले हम लोग गाँव में दूध देते थे तो बाल्टा वाला 25 या 26 रुपए लीटर देता था, लेकिन हम लोग बनास डेयरी में देते हैं तो ये 42 या 45 रुपए तक जाता है। तो उससे क्या हुआ, मेरी आमदनी बढ़ गई, हमने एक गाय और रख ली। अब ये गांव में और लोगों के बीच में बातचीत हो रही है अभी? जी जी बिल्कुल। लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये है सर, ये माताओं का आशीर्वाद रहेगा मोदी जी को। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के बात करने का मौका मिला।